सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ साजिदा। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही सिंपल और सरल नुस्खा जो कि बच्चों से लेकर बड़े तक का काम आने वाला है। आज आपके घर में जितने भी लोगों को खांसी आती है दोस्तों, वो कभी नहीं आएगी, जड़ से ख़त्म हो जाएगी। चाहे वो छोटे बच्चे हो, चाहे वो बड़े बच्चे हो, चाहे वो खुद बड़े क्यों ना हो। तो दोस्तों, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है और आज मैं आपको बहुत ही सिंपल सा नुस्खा बता दूंगी जिससे आपको बहुत ही आसानी से आपकी खांसी जो है चली जाएगी। जो भी खांसी आती है, कफ वाली खांसी आती है, सूखी खांसी आती है, चाहे जैसी भी खांसी हो दोस्तों, 100% खांसी जो है चली जाएगी। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। उससे पहले, आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक का जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा और यहाँ पर मैंने शहद लिया है। इसका क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमें अदरक को कद्दूकस करना है। तो अगर आप अदरक को कद्दूकस करके इसका जूस निकालेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा दोस्तों, वरना आपको जो भी इजी मेथड लगे आप वो इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये बेस्ट है। और यहाँ मैं 1 चम्मच बनाऊंगी, वो आपको बताने के लिए बनाने वाली हूँ दोस्तों। दोस्तों, हम सबको पता है कि अदरक हमारे सेहत के लिए कितना बेनिफिशियल है और खासकर हमारी खांसी के लिए तो बेस्ट है। और ये नुस्खा तो मेरे घर में अक्सर मैं बनाती हूँ दोस्तों, तो सोचा मैंने आपके साथ क्यों ना शेयर करूँ। आपकी भी रिक्वेस्ट थी इस वीडियो के लिए, तो मेक श्योर आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और आपकी खांसी भी आई होप जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं अच्छे से हैंड को क्लीन करके स्क्वीज़ कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से स्क्वीज़ करना है, इसको अच्छे से स्क्वीज़ करना है दोस्तों, ताकि इसका जितना भी अदरक का रस है वो निकल जाए बहुत ही आराम से। तो ये देखिए, मैंने बहुत ही अच्छे से स्क्वीज़ कर लिया दोस्तों। अगर आप बड़े लोग के लिए बना रहे हो तो दोस्तों, अदरक की मात्रा आपको बढ़ानी पड़ेगी, इससे ज़्यादा आपको अदरक लेना पड़ेगा। तो इसको साइड में रखती हूँ। अभी ये हो गया है, अब हमें क्या करना है, एक छोटी सी कटोरी में इसको, इस जूस को जो हमने अदरक से निकाला है उसको डाल देना है। फिर हम इसमें कुछ मिला लेते हैं। ये देखिए, हमने छोटे बच्चों के लिए ही लिया है, करीबन 7 से 8 साल के बच्चे के लिए बनाया है दोस्तों। तो इसमें मैं शहद भी मिला लूँगी दोस्तों। शहद मिला के अगर बच्चों को देंगे तो बच्चे बहुत ही आराम से पी लेंगे। अगर आप बड़े हैं तो इसमें थोड़ा सी शहद मिलाइए और ज़्यादा मात्रा में अदरक मिलाइए दोस्तों, उससे आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है दोस्तों, और अच्छे से कोई भी टाइम पे बच्चों को दे सकते हो। अगर आप सुबह के वक्त दे रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। इसको आपको 3 से 4 दिन तक का देना है। ऐसा नहीं आपको एक बार आप पिला दिए बस हो गया, कोई चमत्कार हो गया, कोई जादू वगैरह हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों। 2 से 3 दिन तक का आपको रेगुलर देना है। बेस्ट रिजल्ट के लिए आपको 1 दिन में 2 बार देना है दोस्तों। इससे आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा, खांसी चली जाएगी दोस्तों। चाहे जैसी भी खांसी हो, कफ वाली हो, सूखी खांसी हो, अच्छा ये नुस्खा बनाइए और ज़्यादा दवा वगैरह मत दीजिए बच्चों को। बच्चों को दवे की आदत हो जाएगी दोस्तों, फिर आप बाद में खुद परेशान हो जाएंगे। इससे अच्छा है कुछ घरेलू नुस्खा आप ज़रूर ट्राई करें, आपके बच्चे की खांसी ये चले जाएगी। तो मेक श्योर आपको ये वीडियो और ये नुस्खा ज़रूर पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपनी फैमिली और रिलेटिव को, फ्रेंड्स को, जिसको चाहे शेयर कर सकते हो। और चैनल पे मेरे नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप रिक्वेस्ट भी बता सकते हो, कौन सी रिक्वेस्ट पे, कौन से टॉपिक पे मैं वीडियो लाऊं नेक्स्ट, कमेंट्स करके बताइए। तब तक के लिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।